আপনার শহর বহরমপুরের পাশে হরিদাস মাটিতে প্রকৃতির কোলে হোটেল গোল্ডেন অ্যাপল হরিদাস মাটি বহরমপুর মুর্শিদাবাদ। ফের সাফল্য জলঙ্গি 141 নম্বর বিএসএফ ব্যাটেলিয়ানের। সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে জলঙ্গি বর্ডার এলাকা থেকে উদ্ধার করে 55 কেজি গাঁজা। 141 নম্বর জলঙ্গি বিএসএফের ডিআইবি বাসুদেব শর্মা ও ইন্সপেক্টর বলবীর সিং, হেমন্ত রাঠি সহ পুরো জওয়ান সঙ্গে নিয়ে আটক করেন আনুমানিক 6 লক্ষ টাকার গাঁজা। একই দিনে মেঘনা বিওপি ইন্সপেক্টর রাজেশ কুমার গাঁজা আটক করেন ভারত বাংলাদেশ বর্ডার থেকে। এদিন মুর্শিদাবাদের রোশনবাগ হেড অফিসে সেকেন্ড কমান্ডার অরবিন্দ কুমার সাংবাদিকদের জানান, এটা আমাদের সব থেকে বড় সাফল্য, আমাদের জওয়ানরা অনেক ভালো কাজ করেছেন, তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, আগামী দিনে তারা আরো ভালো কাজ করবে সেই আশা রাখি। 55 কেজি গাঁজে কা সিজার আমার জলঙ্গি কম্পানি নে কিয়া হ্যা, ইয়ে 141 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ বহরমপুর সেক্টর মে ডিপ্লয় হ্যা, আর ইয়ে কাফি জো আপ জায়গা দেখ রহে হ্যা বহুত জ্যাদা স্মগলিং প্রোন হ্যা, और गांजे का लगातार सीजर हो रहा है और साथ में कैटल का भी सीजर होते रहता है, हर दिन सीजर होता है। और अभी बरसात के मौसम में जबकि आगे पाट की खेती भी लगी हुई है और आगे नदी भी भरा हुआ है तो उसमें इनको एक अच्छा शेल्टर मिल जाता है। हमारा असिस्टेंट कमांडेंट बलबीर सिंह और इंस्पेक्टर जी वासुदेव का बहुत अहम रोल रहा, साथ में हमारे ट्रुप्स ने भी काफ़ी अच्छा डेयरिंग काम किया है और ये लोग शाबाशी के पात्र हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बीएसएफ ऐसे ही लगातार काम करती रहेगी। सर कौन से एरिया से पकड़ लिया? ये जलंगी के इलाके से हुआ है, जलंगी बीओपी के इलाके से हुआ है। कितना रेट होगा इसका? रेट तो 10 के आसपास होगा। इसका 10,000 रुपये यदि के जी अप्रोक्स माना जाए रेट है तो उस हिसाब से करीब 5.5 से 6 लाख के बीच इसका। मतलब एक हफ्ता में 2-3 बार रेड मार दिया अब लोग। 141 नंबर बैटालियन ने बहुत अच्छा काम किया सुना जाता है। 141 बैटालियन, हाँ एक हफ्ता में 3-3 बार हो गया। हाँ ये हमारे इलाके में अभी हमने एक जी कंपनी के इलाके में भी कल रात सीजर हुआ है। ये बड़ा सक्सेस का काम है लगता है, इसके बारे में क्या बोलेगा? बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हालांकि हम लगातार गांजे का सीजर कर रहे हैं लेकिन ये अभी तक का ये बड़ा अचीवमेंट है और इसे छोटे क्वांटिटी में भी लगातार सीजर हो रहा है। अभी कल रात सेम टाइम पर जी कंपनी के द्वारा भी सीजर किया गया है गांजे का, तो वो इससे कम है। तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है और बहुत ज़्यादा हम लोग सतर्क रहना पड़ रहा है और हम लोग लगातार 24/7 हार्ड ड्यूटी करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी अटेम्प्ट हो जिसको हम फेल कर सकें और इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उसको पकड़ सकें और उनको जो सजा बनता है उनको दिया सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, बैक आई न्यूज़, सर्वोदय खबरेर गोभीरे।